तो भाई क्या हाल चाल है सब के? हो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी डिजायर CNG की। तो इस गाड़ी में आपको देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। जैसे आपको इसकी माइलेज ही अगर आप देख रहे हैं 31 की मिल जाएगी CNG में, और फीचर्स वगैरह तो इस गाड़ी में आपको भर भर के मिलेंगे। लेकिन वो इसलिए मिलेंगे क्योंकि देखिए इसके जो हायर वेरियंट है VXi और ZXi, इसमें आपको जो है इसके CNG फिटिंग के जो मॉडल है वो देखने को मिलेंगे, जिनके प्राइस आपको लगभग 9-10 लाख के आसपास के पड़ेंगे। तो ये बात तो हो गई। बाकी एक जो मारुति ने है इस गाड़ी को एक फैमिली पर्पज़ के लिए बनाया है। जो लोग जैसे मारुति के डीजल इंजन तो अब बंद हो गए हैं, तो उनके लिए माइलेज अगर अच्छी चाहते हैं वो और एक अच्छी कंपनी के द्वारा मतलब CNG ट्रस्टेड चाहिए, तो वो मारुति की तरफ जा सकते हैं अच्छी माइलेज के लिए, एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट के लिए। अब इसके आने की बात करें इंडिया में कि ये कब लॉन्च होगी, तो इसके बारे में बात करूँ तो ये इस महीने अगले महीने तक आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए बात करें बुकिंग की, तो बुकिंग तो इसकी पहले शुरू हो ही गई है, ये तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा। और इसके कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आपको पता है टाटा टिगोर इसके कंपटीशन में आते हैं, जो थोड़ी सी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर बात करें डिज़ायर की, तो डिज़ायर के भी देखिए बढ़िया फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं एक बड़े वेरियंट में, मतलब बड़े जो इसके मॉडल आते हैं जो हायर मॉडल्स, तो उनमें फीचर्स तो आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीमियम तो मारुति इसको भी बनाएगी ही, और अच्छी अच्छी चीज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी, जैसे ज़्यादा लोड के साथ गाड़ी दबेगी नहीं, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ मारुति इस गाड़ी को लॉन्च करेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जो बता सकते हैं आपको क्या लगता है मारुति सुजुकी CNG के बारे में, कि वैल्यू फॉर मनी रहेगी, आप टाटा टिगोर की तरफ जा सकते हैं एक सेडान के रूप में अगर आप देखते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।